प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर चल रही पटवारियों की कलमबंद हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार चल रही हड़ताल का असर फूप व अटेर में भी देखने को मिल रहा है। यहां अटेर व फूप के पटवारियों ने मिलकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया, साथ ही नारेबाजी कर जमकर सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल पटवारियों की मांग है CPCD की पात्रता खत्म हो, साथ ही पटवारियों की गृह जिला में नौकरी लगे। साथ ही कई मांगों को लेकर पटवारी कलमबंद हड़ताल पर चल रहे हैं। पटवारी संघ जिला अध्यक्ष मधुसुमन सिंह का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इधर हड़ताल की वजह से किसान डॉक्टर रामबाबू शर्मा पिछले 2 महीने से जमीन का सीमांकन कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल होने से सीमांकन करने वाला कोई नहीं है। अभी मुख्य मांगे 3 है जी। नंबर 1 पे ग्रेड 2800 होना चाहिए हमारा। दूसरा CPCD की जो पात्रता की है उसको खत्म करना चाहिए। तीसरा हमारा जो गिलय जिला है उसको खत्म कर दिया, दूसरे अनंत जिलों में उसको कर दिया गया। हम गिलय जिले पर नौकरी करना चाहते क्योंकि नवीन साथी हमारे जो पदस्थ किए गए हैं बाहर वो अपने जिले में नौकरी कर सके। तो अभी आपने क्या क्या काम बंद कर रखे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं? हमने भू अभिलेख से संबंधित सारे काम बंद कर रखे। इस समय बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी तो हमारे साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ का काम अपनी पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। मतलब हड़ताल अवधि में भी आप लोग बाढ़ का काम राहत का कार्य किया जा रहा है? रात का कार्य पूरा कर रहे हैं। शेष कार्य बंद है? शेष कार्य हमारे टोटल बंद। जी हमारी 3 मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। एक तो गेट पे 2800, दूसरा गृह जिले में स्थानांतरण और एक CPCD की मान्यता खत्म की जाए। ये कब से चल रही है आपकी हड़ताल? चरण रात तो काफ़ी समय से हो गई लेकिन 10 तारीख से कलमबंद हड़ताल पर हैं हम लोग। अच्छा, क्या उम्मीद है शासन आपकी मांगे मानेगा? मेरा शासन से यही निवेदन है कि हमारी काफ़ी समय से जो 2800 ग्रेड पे की चल रही है काफ़ी लंबित है। हमारी कुछ ज़्यादा मांगे भी नहीं है, 3 मांगे हैं जिनको शासन पूरा कर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए फूप से ब्यूरो रिपोर्ट।